विधानसभा के दोनों सीटों पर गोपालगंज और मोकम्मा में होने वाली उपचुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। इन दोनों सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट मिला है। पार्टी ने अपनी निवर्तमान विधायक पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले दिनों बीमारी से सुभाष की मृत्यु होने से ये सीट रद्द हो गई थी। वहीं मोकम्मा सीट पर स्थानीय नेता नीलन सिंह शर्मा उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट मिला है। ललन सिंह ने शनिवार को जेडीयू के प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दिया था। 2005 में दोनों विधानसभा चुनाव में उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ लोजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, जहां काफी कम वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ये सीट राजद के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त होने की वजह से चुनाव हो रही है। मालूम हो कि दोनों सीटों पर उपचुनाव को 7 अक्टूबर से ही नामांकन शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्र की स्क्रूटनिंग होगी। दोनों सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगा, जबकि मतगणना 6 नवंबर को होगी। दोनों पर राजद अपनी उम्मीदवार उतार सकती है। गोपालगंज मोकम्मा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से दोनों सीटों पर राजद ही अपनी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में 10 अक्टूबर की बैठक के बाद औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 11 अक्टूबर को राजद अपनी प्रत्याशी की घोषणा करेगी। गोपालगंज विधानसभा से उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के रूप में मदन गुप्ता का नाम चर्चे में है। मोकम्मा से राजद अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को प्रत्याशी बनाने की चर्चा चल रही है।